नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के आवेदन डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि लघु उद्यम योजना के लिए जो है 20 फरवरी तक डेट दिया गया है। ऐसे में दोस्तों बहुत कम आवेदन मिला है, यानी कि बहुत कम आवेदन हो पाया, क्योंकि दोस्तों रीजन सबसे बड़ा बात है कि ज्यादातर लोगों के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि 60 से 70 हजार का होना चाहिए। और ऐसे में लोग आवेदन कर रहे हैं, धीरे धीरे बनवाना शुरू कर दिए हैं कि आय प्रमाण पत्र उनका बन जाए और बनने के बाद वो आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आवेदन बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 90% लोग अभी आवेदन नहीं किए हैं और रिपोर्ट भी है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कि आपका डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो कौन से बेसिस पे बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा, तमाम जानकारी डिटेल्स में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। जो भी जानकारी होगा ये पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा, ना ही ऑफिशियल है, अपडेट है, लेकिन दोस्तों हम लोग जो जानकारी बताएंगे ज्यादातर चांसेस है कि वो जो है सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर रही है पूरी जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे क्या डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या असली मसला है, किन लोगों का प्रॉब्लम हुआ है आवेदन करते समय में, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो उस जानकारी को समझने के लिए हमने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जैसे उस पर क्लिक करेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के इस वाले आर्टिकल पर चलेंगे, जहां पे इस योजना के रिगार्डिंग हर एक जानकारी बताया गया है, जो कि आप सबको पता होगा। इसके लेकर एक पेपर कटिंग भी रिलीज किया गया, जो कि देख सकते हैं यहाँ बताया गया था राज्य के 94 लाख परिवार को मिलेगा 2-2 लाख रुपया, ठीक है। पूरे बिहार के इसमें बात किया गया है, यानी कि लगभग 94 लाख कुछ परिवार था, लेकिन इसमें बोला गया 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसमें यानी कि 62 प्रकार का उसमें उद्योग का नाम भी दिया गया था, लिस्ट भी जारी किया गया था, जिसमें हम वीडियो भी बनाए थे कि उसमें आप उद्योग लगा सकते हैं। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी उद्योग है यहाँ पे नेम वगैरह भी दिया गया है, और यहाँ देख सकते हैं जो भी उद्योग खाद प्रसंस्करण अंतर्गत क्या क्या लगा सकते हैं, निर्माण उद्योग जैसे सीमेंट के जाल, दरवाजा, खिड़की बना सकते हैं, ग्रामीण इंजीनियरिंग जैसे कि कृषि यंत्र निर्माण कर सकते हैं, स्टील का बक्सा बना सकते हैं, स्टील का अलमारी बना सकते हैं, सेवा उद्योग जैसे सैलून खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, यानी लगभग 62 प्रकार के इसमें उद्योग को लिस्ट जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं, और इसमें जानकारी दिया गया था कि सामान्य वर्ग की जो भी गरीब कुल संख्या है पूरे बिहार में 43,28,282 है, जो कि इसमें गरीब परिवार की संख्या 10,85,913 है। इसमें बता दिया गया था अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो संख्या पूरे बिहार में 98,84,904 है, जिसमें गरीब परिवारों की संख्या है 33,19,506 है। इन लोगों को लिए काफी ज्यादा लोग का प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं, तो जिसको लेकर नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्विक लिंक ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन देख लिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो बिहार लघु उद्यमी योजना के आवेदन करने की प्रक्रिया जो था 5 फरवरी 2024 से शुरू किया गया था और लास्ट डेट 20 फरवरी 2024 तक है, यानी कुछ ही दिन बाकी। आज तो हम जब वीडियो बना रहे हैं, आज का डेट है 18 फरवरी 2024 तक, यानी कि इसमें 2 ही दिन बाकी है जो कि लिंक बंद होना है, जिसमें बताया गया। तो काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि अब डेट खत्म हो जाएगा तो हम जो भी आय प्रमाण पत्र बनवाने के दिए हैं वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें 10 या 15 दिन का समय लगता है, जो कि 5 फरवरी से शुरू किया गया था और 20 फरवरी तक, यानी कि लगभग बात करते 15 दिन का समय मिला है, तो काफी ज्यादा लोगों को आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। तो क्या डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो दोस्तों, आवेदन कब तक लिए जाएंगे इसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि संदीप पौंद्री का ऑफिशियल एंड ट्विटर अकाउंट पे चले, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उद्यमी योजना से रिलेटेड इनके द्वारा कुछ ना कुछ ट्वीट करके जानकारी दिया जाता है, जो कि नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दिया है 10 फरवरी 2024 को, इनको हम बड़ा कर लेते हैं, यानी कि आवेदन तो 5 फरवरी 2024 से लिए जा रहे थे और लास्ट डेट 20 फरवरी 2024 तक है, लेकिन इन्होंने 10 फरवरी 9:52 पर शाम को इन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दिया है। उसमें बताया गया बिहार लघु उद्यमी योजना 23-24 के लिए आवेदन यानी कि 20 फरवरी 2024 तक पोर्टल पर जमा किए जा सकते हैं, यानी आवेदन इसको लिए जाएंगे, जो कि आपसे पता होगा अभी तक जो कि बात करता हूँ 45,000 से अधिक आवेदन निबंधन करा चुके हैं और पोर्टल पर 20 फरवरी 2024 तक संध्या 5 बजे तक आवेदन बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि इसमें बताया गया है यानी कि 5 फरवरी 2024 से तो शुरू हुआ है और इन्होंने यानी 10 फरवरी को ट्वीट करके जानकारी दिया है, जिसमें 45,000 से अधिक यानी लाभुक आवेदन कर सकते हैं, और इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 1,35,000 या 40,000 हम लमसम में बता रहे हैं लगभग आवेदन होगा, लेकिन आपको बता दें इसमें जो भी आवेदन जो लिए जाएंगे यानी कि 94 लाख गरीब परिवार को इसका लाभ दिया जाएगा। आप इसी हिसाब से समझ लीजिएगा
अभी कितना आवेदन हुआ है और कितना बाकी है। लगभग 1 या 1.5 लाख तक आवेदन हुआ होगा, मान लीजिए 2 लाख तक भी आवेदन हुआ होगा, तो बहुत सा अभी संख्या भी बाकी है 94 लाख पहुंचने में, जो कि इसमें बता दे गए। हालांकि हर एक साल ये आवेदन लिए जाएंगे, जो कि आप सबको पता होगा हर एक साल आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इस साल शुरुआती में लगभग 1.5 लाख भी आवेदन नहीं पूरे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डेट आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, 100% गारंटी है, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है कि ना भी बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव भी आ जाए तो उस परिस्थिति में थोड़ा बिजी हो जाए, तो हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन हर एक साल आवेदन लिए जाएंगे, इसको लेकर तो इस सूचना में बताया गया है। अब मानकर चलिएगा अगर बढ़ेगा तो लगभग 10 दिन का समय दिया जाएगा, अगर फिर से नहीं तो 8 दिन का अब कम से कम समय दिया जाएगा, यानी 20 फरवरी तक इसको तो लास्ट आवेदन लेना है। लेकिन लगभग यानी कि काफी ज्यादा लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि हमारा आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अप्लाई किए हैं, तो उस परिस्थिति में उन लोगों का बनेगा तो आवेदन करेंगे। तो हो सकता है कि डेट बढ़े, यानी 20 फरवरी तक है, लेकिन बात कर लेते हैं यानी कि 28 फरवरी तक इसको लेकर डेट बढ़ा दिया जाए, तो आप देख से मान कर चलिएगा कि डेट बढ़ेगा। जैसे डेट बढ़ेगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे, पूरे 100% गारंटी हम नहीं दे रहे हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर बढ़ जाता है ऑफिशियल सूचना आ जाता है तो हम आपको वीडियो जानकारी दे देंगे, लेकिन मानकर चलिएगा कि डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्या कहते हैं इस अपडेट के बारे में, अपना राय जरूर दीजिएगा, क्या डेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।